Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to look after second part of my Goa trip. So second day हम साउथ गोवा के लिए निकल जाते हैं और साउथ गोवा में मुझे कुछ खास नहीं लगा घूमने लायक. जो इधर के बीचेज हैं वो भी बहुत शांत हैं, ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स भी नहीं हैं और क्राउडेड भी बहुत कम होते हैं. तो हम साउथ गोवा की तरफ जा रहे हैं. यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी थी लाइक चर्च एंड जेल समथिंग लाइक दैट. सो वो हमने स्किप कर दिया था. उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं वहाँ का जो एक शिव मंदिर है. वहाँ शिव मंदिर के जो बाहर का मार्केट है वो मुझे काफ़ी पसंद आया. मंदिर भी ठीक है, जा सकते हैं. वो हमने पहले वहाँ पे 130 एकड़ से भी ज़्यादा है, आप तैयार हो पूरा घूमने के लिए? स्पाइसेस प्लांटेशन है. 15-20 दिन लगेंगे. नहीं ना, सब ये मैंने एग्जॉस्टेड है. अभी मसाला के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, आप में से कोई मुझे बता. चौथे नंबर पे जैसे पांचवा दालचीनी चौथे पे लौंग, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये छोटा सा प्लांट और ये इलायची का. इलायची देखिएगा दो टाइप की होती है, बड़ी और छोटी. तो ये छोटी इलायची का प्लांट है, इसका प्लांट छोटा, पत्ते भी छोटे और लाइट ग्रीन. बड़ी इलायची का थोड़ा प्लांट बड़े, उसके पत्ते भी बड़े और डार्क ग्रीन है आपका. छोटा सा कि आपने देखा इस तरह से वो एक गाइड देते हैं हमें अपने साथ में और वो हमें पूरे लाइक मुझे लगता है कुछ 100 acres में ये प्लांटेशन है. तो आपको 100 acres तो नहीं बट कुछ बिट्स ऑफ उनके जो प्लांटेशन वो आपको विजिट करवाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे. फिर हम यहाँ से यहाँ पे हमने 500 rupees टिकट लिया था, उसमें हमारा लंच इंक्लूडेड था. लंच भी कुछ खास नहीं होता है बट एक बफे होता है, कुछ उसमें साउथ इंडियन डिशेज होते हैं और कुछ गोवा के जो वहाँ के डिशेज हैं वो होते हैं. तो आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं बट मुझे इतना वहाँ का लंच पसंद नहीं आया. और साउथ गोवा में यही जो मुझे सही लगा जो घूम के एटलीस्ट कुछ है. देन हमारी शाम की क्रूज की बुकिंग थी तो हम उस पर चले जाते हैं क्रूज पे. जैसे ये देख रहे हो सामने ऐसी ही हमारी क्रूज है तो हम ऊपर वाले साइड पे बैठे हुए हैं. ये हमें हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था, तो ड्रिंक और कुछ स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक ये ऑफर करते हैं. जो सामने आप देख रहे हो ऐसी हमारी क्यूज है. ऊपर की तरफ हम सिर्फ म्यूजिक यहाँ पे चलते रहते हैं, आप डांस पार्टीज इंजॉय कर सकते हो. फिर हम आ जाते हैं अपने होटल्स. फिर यहाँ हमने डिनर किया. डिनर करने के बाद हमारा डे टू कंप्लीट होता है और फिर हम बीच पे जाते हैं. जो नाइट का वहाँ का बीच का सीन है वो कुछ ऐसा होता है. तो हम यहाँ काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी यहाँ पे पार्टीज होते रहते हैं और लाउड म्यूज़िक होता है. तो अपने बीच पे जाके, क्योंकि 5 minutes की दूरी पे था होटल से, तो हम जाके शाम को यहाँ बैठे इंजॉय किया. तो नाइट में बीच का कुछ ऐसा नज़ारा होता है, काफ़ी अच्छे डेकोरेट किए होते हैं होटल्स एंड साइड्स ऑफ बीचेस को. फिर हमने वहाँ पे छोटी सी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की और इस तरह से हमारा गोवा ट्रिप एंड होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.